यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे छोटे भोजपुरी के सबसे छोटे हाइट के स्टार हैं यहाँ पर। यहाँ पर वो देखिए, वहाँ पे वो हीरोइन है और यहाँ पर लाइव चल रहा था उन लोग का, तो सब लोग बीच में फ़ोटो खिंचा रहे हैं और इनका मैं फ़ोटो खिंचा चुका हूँ। ये देखिए मेरे भैया मैनेजर। अभी इनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा, देखना आप यहाँ पर। अभी इंटरव्यू लेंगे इनके साथ, जो छोटे स्टार है भोजपुरी के सबसे छोटे स्टार। वही नीचे वही सीढ़ी के पास में, जो सीढ़ी चले ना नीचे। देखिए यहाँ पे हमने तो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा जॉइंट करके टीवी पे डाला जाता है। तो मैं मंच पर ये अवार्ड देने के लिए आमंत्रित करता हूँ राधा जी। तो गाइस, अभी मुझे बहुत तेज भूख लगा है, तो अभी मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ शो से। शो देखने में बहुत मजा आ रहा है, तो चलो अभी मैं पहले खा लेता हूँ कुछ। मेरे लिए वड़ा पाव आ गया, चटनी डाल के। ये देखिए वड़ा पाव हमारा आ गया, चलो इसे खाते हैं अभी। चलिए इसे खा लेते, डायरेक्ट अब शो में चलते हैं। चलती रहेगी, मनोरंजन का तड़का लगता रहेगा। अभी बहुत सारे कलाकार हैं, तो अभी जो अवार्ड हम लोग देने जा रहे हैं वो अवार्ड है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, सबरंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, मोस्ट पॉपुलर एक्टर, मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एल्बम। मैं इन चारों लोगों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। अमृत जी जो हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री कानू जी के दामाद हैं, जो कुवैत से आए हैं। सबके लिए जोरदार ताली। चारों लोग कृपया मंच पर आए। ये अवार्ड बेसिकली 2022 में ये फिल्म आई थी हमारी, जो मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। और आज आप लोगों की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से, एक 11वीं फिल्म अभी जस्ट खत्म किया 2022 से अभी तक। और इसमें सबसे धन्यवाद करेंगे अपना प्रदीप भैया की, प्रदीप सिंह जी ने, जो पहली बार एज ए डायरेक्टर उन्होंने मुझे काम दिया। उसको पहले तो एज ए प्रोड्यूसर पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी लगा के रखना टू तमाम फिल्में की थी। और सामने बैठे हैं हमारे हीरो चिंटू जी, जो उसके बाद से कुलदीप जी, एंड थैंक यू जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं जिनके हाथों से मैं मिला, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविड डायरेक्टर 2024। तो गाइस, अभी मनोज तिवारी जी का पैर छूने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं चिंटू पांडे जी का भी पैर छूंगा। अभी हम लोग शो देख चुके हैं, अब हम लोग का ट्रेन का टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शो। शो हमने देख लिया, थोड़ा सा बाकी होगा, बहुत सारे सेल्फी भी ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, मतलब हम वही सब लोग। चलो बाय, इनको कहने का टाइम आ गया। बाय बाय बाय, प्रणाम मामा, प्रणाम। देखे सब लोग अब मस्त आ रहे हैं, अच्छे से अब जा रहे घर पे। तो अब डायरेक्ट जाके घर पे हम लोग सो जाएंगे, बहुत अच्छा नींद आएगा, क्योंकि रात के कम से कम हम लोग तीन या साढ़े तीन या चार बजे पहुंचेंगे। तो गाइस, अभी हमारा यही ट्रेन है, एसी का टिकट है।
अभी हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते पहले। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेन में, यहाँ पे पापा बैठेंगे, वहाँ पे भैया सो रहे हैं, यहाँ पे पापा सोएंगे और ये मेरा सीट है। चलिए डायरेक्ट गुड नाइट करते हैं आपके साथ, बाय बाय। गाइस अभी हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और वहाँ पे बहुत मज़ा आया। मनोज तिवारी वहाँ पे आए थे, चिंटू पांडे आए थे, रितेश पांडे आए थे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, पापा विनोद भाई भैया लोग चाय पी रहे हैं रात के 2:30 बजे और मैं तो चाय पीता नहीं, मुझे पसंद नहीं है चाय। तो गाइस अब हम लोग अपने पार्किंग वाली जगह पर आ गए, यहाँ पर देखिए रात के 2:30 बज रहे हैं। ये रहा अपना कार, चलिए बैठते हैं डायरेक्टर। अभी डायरेक्ट हम लोग घर पे चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग अपने सोसाइटी में आ चुके हैं, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी रात के 3 बज गए आते आते घर पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। इसी के साथ आज का व्लॉग इधर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।